वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज है 5 जनवरी और हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की स्टडी करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि ये आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये खिलाड़ी हैं इरफान पठान। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए इंटरनेशनल सैन्य प्रशिक्षण को फिर से बहाल किया है? तो ये देश है पाकिस्तान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 2 वर्ष पहले इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इसे बहाल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने ड्रोन हमले में 3 जनवरी 2020 को बगदाद में ईरान के किस सैन्य कमांडर को मार गिराया? तो ये मार गिराया है कासिम सुलेमानी को। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में कितने T20 वर्ल्ड कप और अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले जाएंगे? तो ये खेले जाएंगे 2 T20 वर्ल्ड कप और 2 अंडर-19। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने सभी प्रकार रेलवे की सुविधाओं के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ये नंबर जारी किया है 139। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेले का 28वां संस्करण का मुख्य विषय क्या था? तो ये विषय था गांधी द राइटर्स राइटर। ये इसका विषय था। इसका आंसर है ए। ये थे आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।